प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक बहुत दिलचस्प है, ख़ासतौर से जो सनातन परंपरा को समझते हैं, पौराणिक आख्यानों और उपाख्यानों से सुपरिचित हैं और अंग्रेज़ी में पठन पाठन की परंपरा के बाद भी भारतीय वांग्मय की तरफ, यानी प्राचीन भारत के वेद, उपनिषद, पुराण, इनमें जिनकी रुचि है उनके लिए भी ये शब्द अपरिचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उस युवा पीढ़ी के लिए बता दूं कि जिस शब्द पर हम बात कर रहे हैं या जिसे एक क्वेश्चन के तौर पर, एक प्रश्न के तौर पर आपके हमारे सामने रखा जाता है कि अरे ये तो यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न का मतलब है एक बेहद जटिल और उलझा हुआ प्रश्न जिसका उत्तर देने के पहले आपको बहुत सोचना पड़ता है, और सोचना भी काफ़ी नहीं है। आपके पास भारतीय प्राचीन मनीषा का एक अद्भुत ज्ञान का खजाना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन तथ्यों की मांग ये यक्ष प्रश्न आपसे कर रहा है उन यक्ष प्रश्न के उत्तर में ही जीवन का सार छिपा है। ये कुछ वैसा ही है जिनमें कुछ लोगों ने शायद अपने बचपन में विक्रम वेताल की सीरीज़ देखी होगी, जिसमें कुछ इसी तरह के उलझे हुए प्रश्न वेताल आपके हमारे मध्य प्रदेश और उज्जैनी के अद्भुत, जिनके नाम पर विक्रम संवत की स्थापना हुई, उस विक्रमादित्य की पीठ पर लदा वेताल उनसे कहता है कि अगर इसका जवाब तूने दिया गलत दिया तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और सही देगा तो मैं उड़ चलूँगा। लेकिन विक्रमादित्य अपने धर्म का निर्वाह करते थे और हम लोग वाह वाह कर उठते थे जब देखते थे कि एक बेहद जटिल प्रश्न जिसमें किसकी तरफ उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि कई बार वेताल पूछता था दोषी कौन बता, वो राजा, वो कन्या, वो ब्राह्मण या फिर वो सेनापति। और कई जगह विक्रमादित्य बहुत चतुराई से कहते थे चारों ही दोषी हैं, कैसे ये ऐसे। तो कुछ यही यक्ष प्रश्न की श्रृंखला महाभारत में उन युधिष्ठिर से होती है जिन पर बहुत सारे आक्षेप भी लगे हैं। हमारे विद्वान वक्ता से ही संवाद के दौरान कई बार मैं कहता हूं कि मुझे एक ऐसे चरित्र दिखते हैं युधिष्ठिर जिनके प्रति श्रद्धा का भाव थोड़ा कम उपजता है। नकुल सहदेव भी हैं जो नेपथ्य के पीछे रहते हैं, लेकिन महाभारत के तीन ही प्रमुख पांडवों में किरदार हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। लेकिन सबसे ज़्यादा मुंबईया भाषा में कहूँ तो फुटेज मिलता है अर्जुन को और अर्जुन के बाद भीम को। युधिष्ठिर कहीं जुए की लत की वजह से आक्षेपित हैं तो ये तक आरोप उन पर लगता है कि सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लतखोर हैं। फिर ये कहा जाता है कि चरित्र उनका जिस तरह की मजबूती है, लेकिन ये सब हमारी शायद कहीं ना कहीं उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी न होने की वजह से या एक राय बना लेने से, जो हम मनुष्यों का एक बहुत साधारण चरित्र होता है कि हम राय बहुत जल्दी बनाते हैं, परसेप्शन हमारा बहुत जल्दी बनता है। लेकिन सारे पांडव जब विफल हो जाते हैं और वो यक्ष जब उनसे कहता है प्यासे पांडवों से कि जल तो मिलेगा लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर दो, और प्रश्नों के उत्तर गलत देने की वजह से एक के बाद एक मूर्छित पांडवों की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, इसमें द्रौपदी भी शामिल है, तो फिर ये युधिष्ठिर हैं जो मोर्चा संभालते हैं और एक के बाद एक उन यक्ष प्रश्नों के सधे हुए उत्तर देकर यक्ष को प्रसन्न करते चले जाते हैं। ये यक्ष वही हैं जिनको आप हमारी पौराणिक परंपरा में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, दैत्य, तमाम तरह के जो अधिपति अलग अलग हैं उनमें ही एक योनि, यक्ष की योनि मानी गई है।
अब इस पर और अधिक प्रकाश तो हमारे विद्वान वक्ता ही डालेंगे, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि यक्ष कौन होते हैं और युधिष्ठिर का महत्व किस रूप में है, कि जिस धर्मवेत्ता के तौर पर उनकी स्थापना है वो साक्षात धर्म माने जाते हैं, तो किस तरह से उन्होंने धर्म की पताका और शलाका को स्थापित किया हम जानेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ सर जी। आज आपने प्रसंग वो छेड़ा है जिस प्रसंग के संभाषण मात्र से ये कहिए कि बहुत एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता आपने बना दिया है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में यक्ष प्रश्नों को समझ ले तो उसे जीवन मिल जाता है। लोग बातचीत में इसलिए नहीं कहते कि ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न कर दिया। यक्ष प्रश्न का अर्थ होता है उसके उत्तर में जीवन का मिल जाना। वाह, क्योंकि ध्यान रखिए धर्म के साक्षात अवतार युधिष्ठिर, धर्म के महाभारत युद्ध के पहले अपने मृत भाइयों को जलाने वाले अकेले वही हैं जिन्होंने यक्ष प्रश्न का उत्तर दिया। चारों भाई मृत पड़े हैं, यक्ष बगले के रूप में है, 12 वर्ष का वनवास काट लिया है, 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाने की तैयारी है और ऐसे बीहड़ वन में पहुंच गए हैं जहां प्यास से सब तड़फ रहे हैं। एक भाई पानी लेने जा रहा है, नहीं आया तो दूसरा भाई जा रहा है, तीसरा भाई जा रहा है, चौथा भाई जा रहा है। जब उन्हें देखने पहुंच रहे हैं तो चारों भाई मृत पड़े हैं सरोवर के तट पर और यक्ष बगले के रूप में। ध्यान रखिए यक्ष अपरमित शक्तिशाली होते हैं, अपरमित। यक्षों के अधिपति हैं कुबेर, धनाध्यक्ष हैं वो। बिल्कुल ठीक, कुबेर जो हैं यक्षों के अधिपति हैं। ये वही यक्ष हैं, इतने प्रतापी हैं, जिन्होंने उत्तानपाद की संतान उत्तम का वध कर दिया था और उनसे बदला लेने के लिए ध्रुव आए थे और जब यक्षों का समग्र संहार करने लगे तब कुबेर प्रकट हुए ब्रह्मा जी के साथ। उनसे कहा, महाराज आप चक्रवर्ती हैं, भगवत कृपा है, छोड़ दीजिए। यक्ष वनों में निवास करते हैं और यक्ष वन के अधिपति हैं, यक्षों से शक्तिशाली कोई नहीं होता। तो यहाँ आप जीवन प्राण प्राप्त करने की बारी, बगुला बने हुए यक्ष उनसे कहते हैं कि तुम पानी तो पी सकते हो लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो मैं तुम्हें जल भी पीने दूंगा और तुम्हारे भाइयों को भी लौटा दूंगा। तो यहाँ जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ध्यान रखिए दूसरा आपने अभी याद किया वेताल 25 के अनुसार जो प्रश्न उठाए गए थे वो कहानी और मिथक के तौर पर थे, ये तो सीधा प्रत्यक्ष प्रश्न था, बताओ उत्तर दो नहीं तो आपका भी वही हाल करें जो आपके भाइयों का हाल हुआ है। तो ये वही प्रश्न है जैसे आजकल टीवी और दूसरे प्रसंगों में कौन बनेगा करोड़पति या कौन बनेगा लखपति वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो किस प्रश्न पर तुम्हारे भ्राता का तुम जीवन मैं प्रदान कर दूं और जल प्रदान कर दूं। करीब 35 से अधिक प्रश्न पूछते हैं यक्ष वन पर्व में और धर्मराज उनका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। पहला प्रश्न ही वो इतना सुघड़ पूछते हैं और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में जीवन का यथार्थ सम्मिलित है। ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया है कि इन प्रश्नों को समझकर हम अपने जीवन से मुक्त हो सकते हैं, हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, हम अपने जीवन को समस्या से मुक्त कर सकते हैं। उनका पहला प्रश्न यक्ष प्रथम प्रश्न जब करते हैं तो वो पूछते हैं किसके कारण सूर्य उदय होता है, उठाता कौन है सूर्य को, सूर्य हमें उठाता है, सूर्य को कौन उठाता है, यक्ष प्रश्न कर रहा है। फिर यक्ष कह रहे हैं कि इस सूर्य के साथ चलता कौन है, फिर यक्ष प्रश्न कर रहे हैं कि ये सूर्य जो है इसको अस्त कौन करता है, यक्ष प्रश्न कर जुड़े हुए 3 प्रश्न। हर श्लोक में 4 चौबंद है, 4 चौबंद प्रत्येक में 4 प्रतिप्रश्न है। फिर वो उनसे कहता है ये सूर्य प्रतिष्ठित कहाँ है, रहता कहाँ है। अब आप देखिए सूर्य को उठाता कौन है, कौन आके कहता है कि सूर्य उदय हो। अब इसके उत्तर कितने सहज हमारे ऋषि मुनि और परंपरा में बना हुआ है हम उसे भूल जाते हैं। वो कहते हैं सूर्य को ब्रह्म उठाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा शरद जी बोलचाल की भाषा में, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ।
क्यों ऐसा बनाया गया था? यक्ष प्रश्न आपके जीवन में बना रहे, जैसे ही आप उठें तो ब्रह्म जागृत हो जाए आपके अंतर चिंतन में, आप उस आत्म तत्व के साथ उठें। सूर्य ही आत्मा का प्रतीक है, तो जब भी आप शरीर का आधार लेकर उठें तो जागृत बना होकर उठें। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बड़ा विधान है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परम शांति चाहता है वो ब्रह्म मुहूर्त में जागे, ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या पूर्ण करे और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान धारणा करे, शून्यता को प्राप्त करे, उसके जीवन में एक विशिष्ट ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये यक्ष के उत्तर में धर्म कह रहे हैं, तो वो कहते हैं ब्रह्म उन्हें उठाता है। बोले इनके साथ चलता कौन है? कितनी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं सारे देवता सूर्य के साथ चलते हैं, सारे देवता सूर्य के साथ चलते हैं। तो आपने गौर किया है क्या, पाप के लिए रात बनाई गई है। आप इस दर्शन को समझिए, सारे पुण्य कर्म दिन के उजाले में होते हैं और पाप के लिए रात, क्योंकि लोग ये मान लेते हैं कि अभी देवता है ही नहीं, जो करना है कर लो, हमें कर्म फल मिलेगा? नहीं मिलेगा हमें उन कर्मों का फल। दूसरा, आप जब छुपकर कोई काम कर रहे होते हैं और आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, तो कौन देख रहे होते हैं? सूर्य के साथ चलने वाले 33 करोड़ देवता देख रहे होते हैं। वो कहते हैं सूर्य के साथ कौन चल रहा है? प्रत्येक किरण में, प्रत्येक स्पंदन में, प्रत्येक उसके तेज में देवताओं का वास होता है। फिर वो उनसे पूछते हैं, अच्छा सूर्य को अस्त कौन करता है, सुलाता कौन है? कितना सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं धर्म। सूर्यास्त जब होता है तो कौन जागृत हो जाता है? धर्म, ताकि रात की निशाचरी माया से आपको मुक्त करे। इसलिए संध्या काल में सारे धर्म कर्म का विधान वर्णित है। आपने सुना होगा कि गायत्री मंत्र त्रिकाल संध्या में करिए, ब्रह्म मुहूर्त में भी करिए, मध्यान्ह में भी करिए। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ब्रह्म को मिलेगा, मध्यान्ह में करेंगे तो देवताओं को मिलेगा, और सूर्यास्त में करेंगे तो धर्म को मिलेगा, धर्म को मिलेगा। इसलिए संध्या काल का एक विधान बना हुआ है। जो लोग अपने परिवार में बहुत सारी समस्या और लड़ाई झगड़े से ग्रसित होते हैं, उनके लिए यक्ष प्रश्न में ये गूढ़ता छिपी हुई है कि क्यों लड़ते हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में। घर से बाहर ना निकलें, संध्या काल में अपने घर का द्वार तो खुला हो लेकिन दरवाजे में ना खड़े हो। संध्या काल में सज धज कर घर छोड़कर बाहर निकलना वर्जित है। संध्या काल में घर में रहकर परमात्मा का ध्यान करें, और परमात्मा कौन? जगत के परमात्मा। गृहस्थ आपका घर, तो लोग आजकल क्या करते हैं, शाम को सजे संवरे और घर छोड़ देते हैं। अशांति आ गई है आपके घर में, क्योंकि आपने धर्म के समय में त्याग कर दिया है। धर्म संस्थापन का समय है, इसलिए संध्या के समय में घर में निवास करें। इसलिए हमारे यहाँ बनाया गया, वो वहाँ दीप लगा दीजिए, तुलसी की ध्यान कर लीजिए, ये कर लीजिए, परमात्मा घड़ी घंटा जागृत कर लीजिए। यही समय प्रदोष काल या संक्रमण काल, यही है संक्रमण काल। त्रिसंध्या ही संक्रमण है, यही संक्रमण है, यही विषयों का प्रवेश हो रहा है। तो आप घर ना छोड़िए। आप देख लीजिए आज के युवा वर्ग के लोग, तो अरे आप देखिए शाम के धर्म की क्या आस्था बनी हुई है। हर संसार का प्राणी सायंकाल में अपने घर लौट आता है। पक्षियों के झुंड को देखिए, अपने नीड पर शाम को लौटता है, कोई दोपहर में नहीं लौटता, कोई रात में नहीं लौटता। क्यों? धर्म आ रहा है। अब धर्म आ रहा है, जागृत हो रहा है, तो हम चलें अपने घर। आप भी ऑफिस से जब लौट कर आते हैं तो घर आइए, और घर आकर शांत चित्त रहिए ना। जीवन का प्रश्न है, यक्ष को समझा रहे हैं, धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर। फिर वो कहते हैं ये किस पर प्रतिष्ठित है, इसका आधार क्या है सूर्य का? वो कहते हैं सत्य। सूर्य किस पर टिका हुआ है? सत्य पर। आत्म का सूर्य भी तो सत्य पर टिका हुआ है। तो बोले सूर्य कब तक है? जब तक सत्य है। बोले सत्य कब था? बोले आदि में भी था, अंत में भी रहेगा, मध्य में भी रहेगा। सत्य अविनाशी है, इसलिए सूर्य सदैव रहेगा। देखिए यक्ष प्रश्न का आनंद ये है कि आपने प्रश्न का उत्तर सुन लिया और आप बोल लिए हाँ, ये रटा हुआ उत्तर नहीं होता, इसकी मीमांसा दर्शन बहुत आवश्यक है। यदि आपके जीवन में यक्ष प्रश्नों का को आपने आत्मसात कर लिया, तो पूरी महाभारत छोड़िए, संसार आपको अब समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक बात। यक्ष उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, कौन है श्रोत्री, किसको कहोगे श्रोत्री?
युधिष्ठिर आत्ममंथन में है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जीवन से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न जीवन अमृत लिए हुए, जीवन अमृत लिए। वो कहते हैं श्रोत्री कौन है, महत्पद किससे प्राप्त होता है, महत्पद महात्मा मान महापुरुष महापुरुष श्रेष्ठता किससे प्राप्त होती है महत्पद। वो कहते हैं सुनो दोहरापन किससे प्राप्त होता है, द्वैपावन, आप अकेले हैं, आप दुकेले कब हो जाते हैं, दूसरा कौन आ जाता है आपके साथ, साथ ही कब मिलता है आपको, ठीक बात, आपका ये अकेलापन कौन दूर करता है, कौन संबल बनकर आपके साथ रहता है, कब आप दुकेले होते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। वो कहते हैं बुद्धिमान कब होते हो, बुद्धि की प्राप्ति कब होती है, प्रत्येक प्रश्न में चार छंद। श्रोत्री हमारी इस पर बात हुई है कि ये कर्ण पिशाचनी यहीं से प्रवेश करती है, इसका दरवाजा कैसे बंद करोगे, तो श्रोत्री अब कब कब हो सकते हैं आप, श्रेष्ठतम मुमुक्ष पद के पदगामी ब्रह्मज्ञानी कब हो जाते हैं। वो कहते हैं वेद अध्ययन करने से, क्या बात, अध्ययो अध्याय हो सुसंद्रो अध्याय हो स्वाध्याय हो, स्वाध्याय का अपना अलग आनंद है, आधे अधूरे ज्ञान ये घूम रहे हैं, कहानी किस्सों में लोगों को पढ़ा हुआ है, गूगल में देखकर नेट पर सर्च करके आप पढ़ रहे हो, वो पवित्र शास्त्र पूजनीय है, इसका अर्थ होता है श्रोत्री बनने के लिए पूजा करिए, पूजा, लोगों ने कहा वेद पूजनीय है, मानस पूजनीय है, गीता पूजनीय है, तो आप समझ नहीं पाए कि पूजनी को आत्मसात करना है, आपने तो घड़ी घंटाल लेके पूजा कर दिया, खत्म कर दिया, तो श्रोत्री नहीं बन पाएगा ना, ठीक बात। तो बोले वेद अध्ययन करने से, आप पढ़िए तो, वो उनकी वाणी है, वेद को किसी ने नहीं लिखा है, बहुतेरे लोग अनेकों अनेक प्रकार के स्वांग करके आडंबर करके भास आभास और पाखंड करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि वेद को फलाने ऋषि ने लिख दिया, वेद अमुक ने लिख दिया, वेद किसी ने नहीं लिखा, वेद वाणी है, किसकी, ब्रह्म की, तो ब्रह्म की वाणी को वेद कह दिया, वेद जब स्वरूप में मुखरित हुआ प्रकट हुआ तो उसको लिखने के लिए परमात्मा ने स्वयं अवतार लिया वेदव्यास जी के रूप में, उन्होंने उस वाणी को चार खंडों में विभक्त किया और उन चार खंडों से ही श्रुति स्मृति इत्यादि इत्यादि की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए महत्पद, आपको महान बनना है तो क्या करें, तप से प्राप्त होता है, महत्पद कैसे प्राप्त होता है, तप से, तप से। अब तप का अर्थ आप क्या समझते हैं, भोगा न भुक्ता वह में भुक्ता, जो भोग आपको आकर्षित कर रहा है, जो लोग लुभा रहे हैं, जो संबंध आसक्ति आपको बांधने के लिए खींच रही है, वो जब अप्रभावित हो जाए आप पर, तब आप तपस्वी हैं। आपने तप का अर्थ तो समझ लिया कि पता नहीं समाधि लगाकर जो लोग ध्यान करते हैं, तप का अर्थ होता है नैष्टिक त्याग, क्या बात है, नैष्टिक अंतर मन से कठिन मार करतार की दिल से देई उतार, ये तप है, ये ध्यान रखिएगा। फिर वो कहते हैं कि आप द्वैरापन कब प्राप्त करेंगे, कब तक आप अकेले चलते रहेंगे, एक बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं, वो कहते हैं जब धैर्य तुम्हारे जीवन में आ जाता है तब तुम दोहरापन प्राप्त कर लेते हो, तुम्हारा साथी मिल गया तुमको, ओहो, और जब तक धैर्य नहीं है, अधीर है, तब तक अकेले हो जीवन में, अकेले हो, कमाल है सर, कमाल है। अब आप देखिए जैसे ही धैर्य आपके जीवन में, आप देखो संकट में कौन है आपके साथ, कोई नहीं देता साथ, धन वैभव यश कीर्ति संबंध सब कोई साथ नहीं देता, वाह वाह वाह, लेकिन जैसे ही धैर्य आपके जीवन में आता है आप सबल हो जाते हो, आपको साथी मिल गया जीवन में, जो आपके जीवन को संवारता हुआ चलता है। युधिष्ठिर भी तो धैर्य में ही बैठे हुए हैं, धैर्य धीर पुरुष का धर्म है, धैर्य से बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तंद्रा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, आत्मबल जागृत होता है, वो धैर्य, वाह। फिर वो कहते हैं बुद्धि, बुद्धिमान कैसे बनता है बताओ, युधिष्ठिर चिंतन करते हैं, वो कहते हैं बताओ और जल पियो, उत्तर दो और जल पियो। युधिष्ठिर ध्यान धारणा में खोते हैं और वो कहते हैं वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान बनते हैं। आप समझिए दर्शन को, यक्ष और युधिष्ठिर का दर्शन आपके जीवन को सुगम संगीत में मधुर बना देगा। वो कहते हैं वृद्धों की सेवा करो तो बुद्धिमान बन जाओगे, क्यों,
चरण दबा रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उनके अनुभव लुटा देंगे तुम पर उन पर, तो तुम बुद्धिमान बन जाओगे। तुम उनकी छोड़ के सबकी सेवा कर रहे हो, चाकरी में कहाँ नहीं घूम रहे हो, हाजिरी कहाँ नहीं बजा रहे हो जीवन में। जिसने धन दिया वहीं खड़े हो गए, जिसने प्रलोभन दे दिया वहीं खड़े हो गए, लेकिन वो तो कह रहे हैं वृद्धों की सेवा कर, बुजुर्गों की सेवा कर, तो तू क्या बन जाएगा? बुद्धिमान। अब जब बुद्धिमान बन गया, धैर्यवान बन गया, महत्पुरुष बन गया, श्रोत्री बन गया, तो तेरे जीवन में क्या समस्या रहेगी? वाह, अनंत प्रश्नों की श्रृंखला। गहरी बात है सर, और इस श्रृंखला को हम आगे भी आपकी अनुमति से जारी रखेंगे, क्योंकि मैं तो आपके ये दो सूत्र सुनकर, वैसे तो हर सूत्र ऐसा है कि मन, प्राण और आत्मा जैसे नहा उठते हैं, लेकिन ये तो अद्भुत है कि आप तब तक अकेले हो जब तक धैर्य नाम का सखा आपके साथ नहीं। कितना भ्रम है हम मनुष्यों को कि मेरे पास ये मित्र है, ये धन है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये नौकरी है, वो नौकरी है, ये वैभव है, ये रुतबा है, ये उपाधि है, है कुछ भी नहीं, लेकिन भ्रम बराबर बना हुआ है। और ये भ्रम टूट जाए जिस दिन, और वास्तविक तौर पर धैर्य रूपी सखा अगर हमारे साथ चलने लगे, तो हम अकेले नहीं रह जाते। अद्भुत बात है। और बुद्धिमान आप कैसे होते हो? वृद्धों की सेवा करके। सच बात है कि कितने मेरे अपने मित्रों से सुना है कि ये मंत्र हमें हमारे वरिष्ठ और उम्र के चौथे पड़ाव के बॉस ने दिया। बॉस ने ऐसे नहीं दिया, चापलूसी से नहीं दिया, आपने उनका विश्वास जीता और कहीं उसी मार्ग का अनुकरण किया जिसको सेवा कहते हैं। फिर उसने कहा कि सुनो, मेरी 40 साल की नौकरी का, 35 साल की नौकरी का मूल मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, याद रखना, ये गलती कभी नहीं करना, और जीवन में ड्राफ्टिंग करते समय ऐसे लिखना, ऐसे कभी नहीं लिखना, ऐसे बोलना वरिष्ठों के सामने, ऐसे कभी नहीं बोलना, हमेशा ऐसे प्रिटेंड करके खड़े होना प्रबंधन के सामने। और इसी तरह माता पिता अपने बेटे और बिटिया को समझाते हैं कि बिटिया, शादी के बाद ये कहना, ये मत कहना। पिता अपने पुत्र को विवाह के बाद पूर्व कहता है कि बेटा ये करना, पत्नी से ऐसा कह देना, मैंने तेरी माँ से एक बार कह दिया था, इतने कैरेट का हार बनवाऊँगा, नहीं बनवा पाया। स्त्री के मन में ये बात धंस जाती है, समझ लेना ये बहुत गहरा मंत्र है। ये कहाँ से निकलता है सर? गहरी सेवा से निकलता है। लेकिन क्या हम वैसी सेवा भावना में हैं? क्या वृद्ध हमारे लिए बोझ हो जाते हैं? धैर्य को हम चुनते ही नहीं, हम दांत पीसते रहते हैं, गाड़ी चलाते समय ये सामने आ गया चीखे मरेगा क्या, पानी का ग्लास ऑफिस में समय पर नहीं आया तो क्या बेवकूफी है साहब, ठीक से काम नहीं हुआ तो, ये इसका मतलब है कि आप नितांत अकेले हैं। मैं नितांत अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ, इसीलिए मैं चीख रहा हूं, कोई है? दिलीप कुमार याद आते हैं आपको, मशाल में, कोई है? मेरी बीवी मर रही है, मेरे भाई। आप वैसे ही अकेले हैं, नितांत अकेले हैं एक महानगर में, जहां सिर्फ आपकी आवाज गूंज रही है चारों तरफ, और आप बार बार अपने को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई है आपके साथ, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है, तो वो है धैर्य। आनंद आ गया गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रणाम।